रामवीर सिंह चौहान जी, इलेक्शन हो गए तो बीजेपी को काफ़ी सीटें आई हैं, गुड़गांव में भी बीजेपी का उम्मीदवार जीता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपने प्रचार किया और पार्टी के लिए क्या किया? देखो, बीजेपी पार्टी ने बड़ा सोच समझकर उम्मीदवार को ग्राउंड में उतारा है और एक अच्छी छवि के नेता है, अधिवक्ता रहे हैं गुड़गांव बार में, रेगुलर 20-25 साल से प्रैक्टिस करने वाले हमारे सुधीर सिंगला जी मेरे साथी भाई है, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और उनकी एक छवि बड़ी अच्छी छवि है। खानदानी परिवार से वो बिलोंग करते हैं और उनकी अपनी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से उनको कामयाबी मिली और लोगों ने एक उचित उम्मीदवार को गुड़गांव विधानसभा से चुनकर चंडीगढ़ भेजा है। उसमें आपने मतलब प्रचार में किस तरह से आपने सपोर्ट किया? प्रचार में हमने सभाएं की जगह जगह, कॉलोनी वाइज, क्षेत्र वाइज लोगों को बीजेपी पार्टी के बारे में, विकास के बारे में बताया। जो बीजेपी पार्टी ने पिछले विकास किए 5 साल में, जो ईमानदार सरकार रही उसके बारे में बताया, मनोहर सरकार ईमानदार सरकार रही उसके बारे में बताया, तो भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ कर लोगों ने वोट दिया और विकास भी हुए हैं पूरे क्षेत्र में। पहले कैंडिडेट को जो है सीट नहीं, मतलब टिकट नहीं मिली, ये जो थे सीताराम सिंगला जी के पुत्र हैं, तो उसके चेंज करने से क्या फर्क पड़ा? देखो, एक तो हमारी जीत होगी, हो सकता है पिछले उम्मीदवार ने कुछ कमियां रखी हो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में विकास करने के लिए, या कुछ उसकी पर्सनल बातें रही हो, तो पार्टी ने पूरी रिपोर्ट ली है और 3 बार सर्वे करा के ही उम्मीदवार को ग्राउंड में उतारा है। ये सब बातें देख के सिंगला जी को टिकट मिली और वो विजय प्राप्त की उन्होंने। तो रैलियों में आप कार्यक्रम में गए थे क्या? कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम गए, बड़े उत्साह से लोगों ने आदर सम्मान दिया और वोट देने का आश्वासन किया और हमने भी जो है लोगों को अपील की, घर घर गए, वोट मांगी और लोगों से को जागरूक किया, अभी वोट डालनी चाहिए, परसेंटेज फिर भी कम रही, ये जो एक वर्किंग डे की वजह से मैं मानता हूँ कि वो पोलिंग की परसेंटेज जो कम रही वो एक वर्किंग डे की वजह से ही कम रही है, ये मेरा मानना है। तो आप मानते हैं कि समाज में किस तरह का सुधार, कौन कौन से काम है जो रह गए थे जो करने चाहिए? काम तो बहुत है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, मेट्रो वगैरह का काम है, अपना जो परिवहन का काम है, बहुत सारे काम है, यहाँ पे जाम भी रहते हैं गुड़गांव में, और ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारा जाएगा, ये सब चीज़ें, ओल्ड गुड़गांव को भी विकास किया जाएगा, ये सब चीज़ें, मेट्रो, एक रेलवे स्टेशन, मेरा अपना सुझाव है कि रेलवे स्टेशन से सीधा राजीव चौक को भी एक मेट्रो देनी चाहिए, ताकि यहाँ से एक डायरेक्ट कोई भी साधन नहीं है आज भी, तो लोगों को एक अच्छा यातायात और अच्छी सुविधा मिल सके।